आपने अंग्रेजों को देखा है? हाँ, पहले अंग्रेज आते थे। अच्छा, आते थे? हाँ। आपने देखा? हाँ। कहते हैं उनकी आँखी और जो बाल सब भूरे रहे थे। अच्छा। और ये पैंट जो ऐसी है, ये कपड़ा हाँ? पहले बेई पहने थे, अपने नए पहने थे। अपने हमारे एरिया के लोग नए पहने थे ऐसे कपड़ा। अच्छा, ऐसे कपड़ा बेई पहने थे, ऐसी पैंट है। हाँ, उनका आदमी मेरुआ को पता नहीं लगा थो कि आदमी कौन सा, मेरुआ कौन सी है। अच्छा, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक नई फ्रेश वीडियो में। आज हम लोग आए हुए हैं जूनी डैम के पुल पे। ये पुल बहुत ज़्यादा पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। इसको जानेंगे थोड़ा विस्तार में। यहाँ पर अक्सर लोग ज़्यादा मौजूद नहीं है। एक भाई हमें यहाँ पर मिले। सर, आप बता सकते हैं ये जूनी डैम का पुल ये कितना पुराना होगा? जी भैया, 1923 में बना हुआ है। 1923 जी। और ये इधर तो काफ़ी जंगल भी है यहाँ। गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस है ये। ना, कौन रहता है इसमें? जहाँ पे जो सालू आते ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें तो लॉक लगे हुए हैं अभी तो। कहीं गए होंगे, घूम के गए होंगे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले? जी वे कैमूर रहते हैं। कैमूर, कैमूर रहते हैं आप जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी? यहाँ पे जी पाले ले जाइए, पहले तरबूज लगा रहे हैं। तो उस पार लगी होगी? नहीं, नीचे भीग जाओगे नीचे। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं ड्यूरी डैम के पुल पर। तो चढ़ने देते हैं उस पर? नहीं। तो कैसे पता? बनाए कब बना था, कब बताया आपने? 1923 हाँ। 2023 21 22 100 साल हो गए लगभग। दोस्तों तकरीबन 99 साल पुराना ये पुल है, लगभग 100 साल पुराना। आपको डीपली दिखाएंगे उसका अंदर का नज़ारा, करीब से किस तरीके से यहाँ पानी चल रहा। अच्छा, सबसे बड़ा पुल है ना आसपास ये? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा पुल है। नहीं, इससे बड़ा फिर उत्तराखंड में और है। उत्तराखंड में जी हाँ, वो जो यहाँ के एरिया में सबसे बड़ा यही। 11 गेट का ये है, वो है 32 गेट का है उत्तराखंड। ये 11 गेट का है जी, वो 32 गेट का। 11 जो है जवाब कराज का है, चार जो है तो जी फिटर का है। अच्छा, चलिए दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ करीब से नज़ारा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो यहाँ पर लोग अक्सर मछलियाँ मारने के लिए आते हैं, मछलियों का बड़ा शिकार करते हैं। जानवर वगैरह भी यहाँ पर चराने के लिए अक्सर आसपास के लोग आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से। इसी के साथ साथ ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। ये काफ़ी ऊंचा बैराज बना हुआ है, ब्रिज है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये। देखिए मछली मारने के जाल भी लटके हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। और काफ़ी सारी पुरानी जो चीज़ें हैं वो यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी पुरानी चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलती हैं यहाँ आने के बाद। पुरानी संस्कृति, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। देखिए ये पुल पर सवारियाँ चल रही हैं, वाहन गुजर रहे हैं। नीचे पुल है, ऊपर पुल के ऊपर पुल बनाया गया है, कंट्रोलर लगे हुए हैं ऊपर। सारी चीज़ें हैं ये, आप लोग देखिएगा, करीब से देखें। और थोड़ा सा इधर का नज़ारा देखते हैं। ये देखिए किस तरीके से, कितना सुंदर नज़ारा है। शाम का वक्त है और पानी में शख्स जो है मछलियाँ मार रहे हैं। ये देखिए मछली मारते हुए इंसान भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ये मछलियों की शिकार कर रहे हैं। ये देखिएगा, और शाम का वक्त है, सूरज ढलने ही वाला है। और ये देखें कैसी सब्जियां यहां पर, खीरे तरबूज वगैरह उगाते हैं लोग। ये सूरज का नज़ारा देखें, ये बिल्कुल लाल सूरज डूबने ही वाला है। इस तरीके से देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त में यहां पर, माशाल्लाह। और सारी चीज़ें आपको करीब से, चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं नीचे से क्या नज़ारा दिखाई देता है। नीचे जब हम पहुँचते हैं यहाँ पर, तो नीचे सबसे पहले तो धीमे धीमे गति से पानी बह रहा है, मंद गति से, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं है इस वक्त, सूखा हुआ है। अक्सर बरसात के दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुल के ऊपर तक पानी आने की ये सोचता है, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है। तो अक्सर यहाँ पर भयानक माहौल होता है जब बरसात का समय आता है। ये देखिए दर बने हुए, ये गेट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, कुल मिलाकर के तकरीबन 11-12 गेट होंगे ये। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वही लोहा लगा हुआ है अंग्रेज़ों के हाथों का, और ऊपर भी वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के हाथों की ही लगी हुई है। ये देखिए कितना करीब से देखिएगा, थोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन बड़ा मजबूत है, आज के ज़माने के पुल इतने टिक नहीं पाते। ये 100 साल पुराना पुल है लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ इसको। लोग यहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, फ़ोटोज़ बना रहे हैं अपने अपने, मछलियाँ मार रहे हैं, सब्जियाँ उगा रहे हैं। वो देखिए स्प्रे चल रही है उधर फसलों में, उधर फसल बो रखी है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, लौकी, ये सारी चीज़ें उसने लगा रखी है बल्ली वाली साइड में।
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी हमें एक शख्स दिखाई दिए हैं, चचा दिखाई दिए हैं, यहाँ का पुराने बुजुर्ग हैं। आइए जरा उनसे मुलाकात करते हैं, क्या हो? कहते हैं वो? हाँ, काफी पुराने। अच्छा, तो आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ डंगल चुरा रहा हूँ। अच्छा, आप जानवर चुराते हैं? ये 100 साल करीब। अच्छा, भैया बाढ़ वगैरह भी आती होगी? अच्छा, तो बहुत भारी पानी अच्छा। तो आपने अंग्रेजों को देखा है? हाँ, पहले अंग्रेज आते थे। अच्छा, आते थे? हाँ। आपने देखा? हाँ। कहते हैं उनकी आँखी और जो बाल सब भूरे रहे थे। अच्छा, और ये पैंट जो ऐसी है, ये कपड़ा हाँ? पहले बेई पहने थे, अपने नए पहने थे, अपने हमारे एरिया के लोग नए पहने थे ऐसे कपड़ा है। अच्छा, ऐसे कपड़ा बे पहन लेते, ऐसी पेंट है। हाँ, उनका आदमी मेरुआ को पता नहीं लगा था कि आदमी कौन सा मेरुआ कौन सी है। अच्छा, और एक ही जैसे होते थे दोनों? एक ही जैसे कहते हैं, बारह बड़े बड़े सिगरेट पिए, उनके लेडीज पिए। अच्छा, अब नहीं आते अंग्रेज? अब ना, आज पहले आते। अच्छा, अब मेरे ख्याल से 50 साल से नहीं देखे हम। अच्छा, मैं पहले गाड़ी में भर के आते। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले अपने इधर जो साबुन उबुन नहीं हो, हाँ, एक सोडा चल थो, हाँ, खाली ये कपड़ा हम लोग उसमें उबाल लेते पानी, गर्म पानी में, हाँ, तो ये जुआ बहुत पड़ जाते इसमें कपड़न में, क्योंकि दूसरे कपड़े भी नहीं थे पहले। अच्छा, हाँ, गरीबी भी ज्यादा थी पहले। अच्छा, तो ये साबुन उबुन छोड़ जाते ना, तो साबुन बड़ी खुशबू आती। अरे जी, पहले सलाइट लाब वाब ये साबुन कोई ना, ये रेंगन वगैरह। अच्छा, कोई साबुन ना, सिर्फ खाली सोडा। तो इधर तो अंग्रेज बहुत खजाना वजाना छोड़ गए होंगे भैया। देखो, अब जो तो खजाना वगैरह अंग्रेजी जमाने शासन से वो तो काफी साल, अपने 70 साल तक ये प्रजातंत्र राज भाव है, बाकी सब मुस्लिम शासन था, वो अंग्रेजी शासन। अच्छा, इधर जो तहखाने बने हुए, कोठियाँ बनी हुई है? कोठी है या बनी हुई? हाँ, गए कभी कोठी के अंदर? हाँ, गए आप? घूमत थे सब, सब लोग दुनिया घूमत। अच्छा, आप भी जा सकते हो? अच्छा, उन्हें चौकीदार रहे यहाँ पर? उस टाइम तो है नहीं, अभी तो बंद पड़ी है वो, अभी तो ताले लगे वहाँ। तो मैं बताऊँ, संजा को आ जाते। अच्छा, शाम के दोनों लोग आ जाते, अपने कहीं घूमत घामत होंगे, खाने चले जाओगे। अच्छा, लगा अच्छा रहा यहाँ पे। अच्छा, ऊपर ही जाने देते हैं अपन, तरफ से तालो खोलो, वो इधर तालो पड़ो वो। हाँ, अब जैसे ये मतलब सरकारी बैराज है, अब टंडा लिया वो उधर आ, इधर कोई चढ़ गया, जिसको आता जाता नहीं उसने घुमा दिया, पानी नीचे चला जा रहा, तो इसलिए नहीं जानते, पहले खुला था सर। अच्छा अच्छा, चले रहा, चले रहा।